हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई और फ्रेश वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है KERS। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके बारे में पहली बार सुना होगा, और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसके अंदर कुछ अच्छी चीज सीखने को जरूर मिलेगी। दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम एक्चुअली होता क्या है वो आपको पहले समझा देता हूँ। दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम आज की जो बहुत सारी रेसिंग कार है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप रेसिंग F1 कार्स होती है जो रेसिंग ट्रैक के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फिर रेनॉल्ट की कार्स, टोयोटा की कार्स, फरारी की कार से इनका जैसे इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें ऐसा क्या मैकेनिज्म रखा हुआ होता है कि जो कि नॉर्मल फोर व्हीलर से ज़्यादा स्पीड से चल लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है दोस्त, कि अपन जब भी कभी रास्ते में ऑब्स्टेकल आ जाता है या कभी ब्रेक को अप्लाई करते हैं इंजन के अंदर, तो वो क्या कर लेता है कि हमारी एनर्जी हीट के रूप में डिसिपेट हो जाती है, और जैसे ही वो हीट के रूप में डिसिपेट हो जाती है तो हमारी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, KERS मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस करता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अपन ये 8th क्लास से पढ़ रहे हैं कि ना हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम उसी पे बेस करता है। हम एक्चुअली इसमें करते क्या है कि जब भी आप ब्रेक को अप्लाई करते हो तो आपकी जो टायर होता है उस पर वो मोशन में होता है, तो जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो तो आपको पता है। तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं कि डिसिपियर हो जाती है हीट के फॉर्म के अंदर और गाड़ी स्टॉप हो जाती है। इसके ये काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि उस एनर्जी को हम किसी चीज़ के अंदर स्टोर कर लेते हैं, चाहे वो कोई मैकेनिकल डिवाइस हो या फिर आपकी कोई बैटरी हो, उसके अंदर हम इसको स्टोर कर लेते हैं। और जब भी ड्राइवर उसकी फोर व्हीलर की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो वो जो एनर्जी होगी जो स्टोर हुई होगी वो इस्तेमाल करेगा और एनर्जी को वो बूस्ट कर लेता है। इसी को हम बोलते हैं बूस्ट करना, एनर्जी को बहुत जगह एक झटके में इंक्रीज कर लेना, सडनली इंक्रीज करना, तो वो काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम से ही होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी अप्लाई करते हो तो 80 हॉर्स पावर जितनी एक्सेलरेशन उसको सिर्फ 6.6 सेकंड में मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर और काफ़ी सफिशिएंट है। यह काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम को इंजन के माइलेज या फिर इंजन के वेट को कम करने के लिए नहीं बनाया गया, यह सिर्फ उसकी इंजन की स्पीड को एक्सेलरेशन को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम दो टाइप के होता है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम, और दूसरा होता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम। बहुत बड़ा नाम है इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म KERS ही रख दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक KERS होता है वो क्या होता है कि वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका फ्यूल टैंक और आपका जो मेन इंजन होता है उसके बीच में हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप ब्रेक को अप्लाई कर लेते हो तो वो मोटर जो होती है इलेक्ट्रिक मोटर वो अपने रन करना स्टार्ट कर लेती है, और वो कंट्रोल यूनिट को एक मैसेज देती है कि मेरा पावर मुझ में आ रहा है। तो वो क्या होता है कि वो सारी पावर को वो बैटरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जब भी आपको गाड़ी को एक्सेलरेशन करना होता है, आपकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना होता है, बूस्ट करना होता है, तो उस टाइम पे वो कंट्रोल यूनिट क्या कर लेता है कि वहाँ पे बटन होता है गाड़ी के अंदर ही, ऐसी टाइप की जो रेसिंग कार होती है उसके अंदर ऑप्शन होता है कि एक्सेलरेशन को आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप वो बटन को प्रेस कर लीजिए। तब जैसे वो बटन को प्रेस करोगे तो बैटरी से वो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और ऑन द स्पॉट आपका जो ड्राइवर व्हील होगा, आपकी जो गाड़ी होगी, उसकी स्पीड जल्दी से फास्टली इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक KERS बेस करता है, बट इसका एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं जो कि फटने का डर रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसका फटने का डर रहता है। तो इसी कारण वहाँ पे हम सुपर कैपेसिटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि जल्दी ठंडा भी हो जाता है और साथ साथ में वो अपने अंदर एनर्जी को भी ज़्यादा स्टोर कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉनिक KERS सिस्टम रेनॉल्ट की गाड़ियों के अंदर, टोयोटा की गाड़ियों के अंदर, और साथ साथ में फरारी की जो रेसिंग कार्स होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल जो KERS है उसका जो प्रिंसिपल है वो इतना सिंपल है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, फ्लाई व्हील का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो जो हीट डिसिपेट होती है वो सारी फ्लाई व्हील के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, तो फ्लाई व्हील मोशन होना स्टार्ट कर लेता है। फ्लाई व्हील का काम ही होता है कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है फ्लाई व्हील। अब जैसे फ्लाई व्हील अपने में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और आप जब भी व्हीकल को अपने एक्सेलरेट करना चाहते हो, उसको बूस्ट करना चाहते हो, तो आपके जो टायर्स होंगे वो अपने आप उस फ्लाई व्हील से कनेक्ट हो जाते हैं। आपके पास वो आगे बटन होता है, जैसे बटन को प्रेस कर लेते हो
तो आपके जो टायर है वो पुराने वाले वो जो KERS सिस्टम बेस पे जो फ्लाईव्हील लगा हुआ होता है उससे कनेक्ट हो जाते हैं और वो आपकी पावर को ज्यादा बढ़ा देता है, आपके एक्सेलरेशन को बढ़ा देता है। तो दोस्तों इस स्टेप से काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम वर्क करता है। आपने हमेशा देखा होगा कि रेसिंग ट्रैक की गाड़ियां क्यों इतनी स्पीड से चलती है, तो वो इसीलिए इतनी स्पीड से चलती है, वो अपना पावर बचाते हैं, एंडिंग में वो KERS को इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे उसकी गाड़ी या उसको फोर व्हीलर हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आप दूसरों के साथ शेयर भी करना ताकि उनका भी फायदा हो सके। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ताकि आप हमारे आने वाले फ्यूचर की वीडियो को देख सके। और सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। वहां पर आपको बहुत सारी लिंक्स मिलेगी जो कि आपके लिए फायदेमंद रह सकती है। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।